फेलो गेमर्स एंड फेलो स्ट्रीमर्स एंड फेलो मेट्स, जो भी हो भाई, जितने भी लोग हो, स्ट्रीम देखने वाले हो। स्ट्रीम तो नहीं है गाइस, रिकॉर्डेड ही वीडियो डालने वाला हूँ। तो यार फटाफट से मैच को स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। 50 का टाइम दिया था, मतलब एक दो बंदों का ये वो सीन हो गया था कि वो दूसरों के शॉट में बैठ गए थे, तो उसको किक करने में थोड़ा टाइम लग गया, एक दो मिनट का डिले हो गया गाइस, रियली सॉरी अबाउट दैट। तो हमने स्टार्ट कर चुकी है स्ट्रीम, सॉरी रिकॉर्डिंग, फिर से स्ट्रीम बोल रहा हूँ। ऐसे सीन ही है ना यार, मोबाइल डेटा पे रिकॉर्डेड स्ट्रीम चल नहीं पाती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम डिलेनी का प्रोसेस काम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी नहीं काम कर पा रहा है। तो भाई ज्वाइन हो चुके हैं 95 आई थिंक, और भी होंगे शायद, हाँ 95 मेंबर्स हैं गाइस। तीन लोगों का मैप डाउनलोड नहीं था, वो तो ऑलरेडी किक्ड आउट हो चुके हैं। तो ज़रा देख लेते हैं भाई कौन कौन से बचे हैं, जो जो मैप डाउनलोड नहीं था भाई। एक तो मेरी स्लॉट का बंदा मैप डाउनलोड नहीं करके आया था भाई, जो लोग मैप डाउनलोड नहीं किए फिर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमने सारा कुछ डिटेल दिया हुआ था ऑलरेडी, कल से बता रहा हूँ। तो टीम 18 के अंदर आके कोई और ही बैठ गया था गाइस, टीम 18 के स्लॉट में कोई और बंदा बैठ गया था, तो उसे किक करने के लिए थोड़ा सा डीले हो गया गाइस, एक दो मिनट का। 95 बंदे आ रखे हैं, 25 टीम से टोटल, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस दोस्तों। एक बार देख लेते हैं भाई, देख सकते हो आप 24 टीम्स है एक्चुअली। ओके ओके गाइस, एक टीम मिसिंग है यहाँ पे, 1 2 3। ट्वेंटी फोर टीम नंबर नहीं आ पाई है, रावण की लंका शायद। ओके भाई, BTS स्टार्टिंग में उतर चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो BTS उतर चुकी है, टीम नंबर 14 उनके साथ है, टीम नंबर 11 एरर भी उतर चुकी है। मेरी VTN की लाइनअप भी उतर चुकी है, चुमा सरा ही जाएगी जहाँ तक है मुझे पता है। ओके ये रहा अपना IGL VTN पॉइंट ब्लैंक। अभी सीन ऐसा है गाइस, मैं अपने क्लाइन में नए बंदे रिक्रूट कर रहा हूँ, अगर किसी को आना होगा क्लाइन में तो फटाफट से आ सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन में मेरी हर जगह ID दी होती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। चलो मैं एक पक्का रिक्रूटमेंट टाइप का, तो भाई टीम एरर तो कुछ ज़्यादा ही सेफ उतर चुकी है यहाँ पे। और भाई मेरा मार मैप 8x8 का इतना बड़ा मैप है कि यार कोई दूर जाने का भी सोचेगा भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दूर कौन जाएगा, हसियंदा चले जाएंगे, सैन मार्टिन चले जाएंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि भाई कोई एल्पोजो चला गया, कोई रूइंस चला गया, कोई क्रेटर चला गया, ये सीन तो आप समझ ही रहे होगे। तो भाई जरा देख लेते हैं एक बार ध्यान से यार, फाइट्स कहाँ पे चलने वाली है। तो आई थिंक यहाँ फाइट हो सकती है अभी पास में भाई, HH की टीम ने एक बंदा गिरा भी दिया है, किल फीड फॉलो करते हुए हम HH की टीम को यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर लेते हैं एक बार, शायद एमरॉय ने गिराया था, जी हाँ एमरॉय ने गिराया था, उसी से यहाँ पे एक बंदा नॉक कर रखा था। बंदा नॉक करके फिनिश भी कर दिया टीम 14 का भाई यहाँ पे। ओके नाइस नाइस नाइस, टीम आर आर टीम 25 की भी फाइट शुरू हो चुकी है, आर आर लॉयन ने एक बंदा नॉक कर दिया यहाँ पे, के 10 का नॉक किया भाई, स्मोकी की टीम को नॉक कर रहे हैं यहाँ पे, बंदा मार रहे हैं लोग जी। भाई जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बंदे चेंज हुए, तो ऐसा नहीं है भाई, ये DJ लव पहले इनका क्लैन नेम बस चेंज था, इन्होंने क्लैन चेंज करा होगा अपना, जो भी है नेम चेंज किया है भाई। G2 सनी कोहली यहाँ पे देख रहे हैं, इनको फुल टैग देने का ट्राई करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। और भाई गंदा नॉक लिया इन्होंने यहाँ पे, सस्ता नॉक बहुत ही, जिसे कह सकते हो आप। नेमोर यहाँ पे नॉक देंगे कि नहीं, नॉक ले लेंगे देखते हैं। और ये फिनिश भाई, पूरी की पूरी टीम फिनिश कर चुके हैं यहाँ पे, टीम स्मोकी का आज बहुत ही जल्दी है, अपना खाता भी नहीं खोल पाए और यहाँ फिनिश हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे टीम 4 और टीम 16 का भी फाइट होने वाला है जहाँ तक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ गाइस। थोड़ा सरेंडर टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, सोनिक सेन के सामने वेक्टर का पूरा श्रेय दिया पॉइंट ब्लैंक ने, लेकिन मार नहीं पाए, वो किसी को नॉक नहीं दे पाए, न अटैक दे पाए। 007 के भी फाइट हो रही है गाइस,
भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ही कंपाउंड पे रुको, और भाई गाड़ी लेके निकलने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे टैग दे पाते हैं कि नहीं, किसी को गिरा पाते हैं कि नहीं गिरा पाते हैं। और स्प्रे इनका खाली गया यहाँ पे, कोई नहीं गिरा पाए। उसी के साथ टीम नाइन भी यहीं पे है, वो इनको टैग दे सकती है अभी अच्छा खासा। ऑन ग्राउंड देख लेते हैं भाई, टीम नाइन यहाँ पे है पूरी की पूरी। क्रॉसबो है एक बंदे के पास यहाँ पे, मतलब गलत ही सीन हो रखे हैं, लूट नहीं मिली है लग रहा है ज़्यादातर किसी को यहाँ पे। भाई फिनिक्स की फाइट हो चुकी है यहाँ पे, फिनिक्स को देख लेते हैं, सुपरमैन। उससे पहले गाइस एक बार देख लेते हैं हम जरा टीम एफजीएम को, कल भी इनकी कंप्लेंट थी कि हमने इनके बंदे स्पेक्टेट नहीं किए थे गाइस, रियली सॉरी। विन 94 लेके बैठे हुए यहाँ पे एलिमेंट, बाबू 9 यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, रिजिस का गेम है पूरा का पूरा ये, थेनोस को स्पेक्टेट करते हैं यहाँ पे हम जरा। भाई मिरामार काफी स्ट्रांग है मतलब ज्यादातर टीम्स का, यहाँ पे अकेले बचे हुए स्ट्राइकर आई थिंक, विन 94 का टैग देते हुए वो गाड़ी में बैठेंगे ज्यादा के कोशिश करेंगे। और भाई गाड़ी से ही मार दिए गए, ये तो गलत ही सीन भाई, स्ट्राइकर गाड़ी से मर गए यहाँ पे, किल तो नहीं मिल पाई डीओडी की टीम को, बट स्ट्राइकर गाड़ी से मर चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बंदा नॉक है इनका यहाँ पे, भाई रेंडर हो जा जल्दी से जल्दी। ने निशांची भी नॉक हो चुके हैं, जिम क्रूसेडर को हम देख लेते हैं, थोड़ा दूर है वो, सोल्जर अकेले बचे हैं ग्रुप में आ गए हैं। और ये भाई बूम बम नॉक, सोल्जर भी नॉक ले चुके हैं, क्रूसेडर अकेले बचे हुए हैं, लेट्स सी क्या कर पाते हैं। और भाई इनको कोई क्लू ही नहीं था बंदे कहाँ पे, और इसी तरह ये मारे गए, इंग्लिश अकेले बचे हुए हैं यहाँ पे। और फिनिश पूरी की पूरी एफजीएम टीम भी फिनिश हो चुकी है, फ्यू गुड मैन यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, आप देख सकते हो लिटरली गाइस 20 टीम बची हुई है, 79 प्लेयर्स बचे हुए हैं, अभी अच्छी खासी फाइट्स हो चुकी है यहाँ पे। बट मेजोरिटी ऑफ द गुड टीम्स आर हेयर गाइस, अभी भी एनालिटर्स बची हुई है, एजीएसी की पूरी टीम बची हुई है गाइस। एजैक बड़ा गंदा मारती है भाई, कल भी ये लोग थर्ड आए थे लेकिन बहुत अच्छा खेले थे, टू मैन स्क्वाड के साथ भी बहुत अच्छा खेले थे। बस तो उनकी पूरी की पूरी टीम है गाइस यहाँ पे देख सकते हो, सैम है यहाँ पे, क्रिप्टॉन है भाई इनका स्नाइपर है, जोरो है यहाँ पे, वीआरके माही है, लेट्स सी आज क्या स्टैंड होता है इनका गाइस। डीएसए की टीम एल्पोजो जा चुकी है, जैसा कि मुझे लगा था कि ज़्यादा टीम्स दूर नहीं जाएंगी, बट काफ़ी दूर दूर जा चुकी हैं टीम्स यहाँ पे एक दूसरे से, ताकि वो पोजिशन होल्ड कर पाए अपनी अपनी। BTS की टीम भी 2x2 के ग्रुप में डिवाइड होकर घूम रही है अभी, टीम सेवन भी गाइस यहाँ पे दूर है, टीम सेवन है वाले दमार के पास और टीम एरर भी जा रही है अभी ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे। भाई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, नोटिफिकेशन ब्लॉक नहीं है मेरी एक्चुअली गाइस, तो अभी तो किल फीड में कुछ हो नहीं रहा है गाइस, कोई मसाला मिल नहीं रहा है हमें कंटेंट, तो तब तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर ज्वाइन करना है टूर्नामेंट्स तो यार मेरी यूट्यूब वीडियो के किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का एंड ऑल, तो वहाँ जाके आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो भाई, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कितने तगड़े कस्टम्स होते हैं भाई वो तो आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देख के समझ नहीं सकते हो, और अभी भी मैं जैसे रिकॉर्डेड डालूंगा तो आपको समझ आ ही जाएगा मेरा मार में भी क्या ओपी फाइट लेती है यहाँ की टीम्स, देख लेना भाई आप रिग्रेट नहीं करोगे भाई आप हमारा कस्टम ज्वाइन करने का। अभी तक जितनी भी टीम्स ने ज्वाइन किया है सबका यही कहना है कि भाई बहुत पसंद आया हमें कस्टम, बहुत मज़ा आया इसमें। कुछ टीम्स हैं बहुत पुरानी, जैसे डीओडी की टीम है, एजीएससी की टीम है, बहुत दिन बाद आई है, एचएच है हमारी, वीटीएन तो मेरी लाइनअप है, डीएसटेक है, एक्सटीएमबी है, ये सारी टीम्स बहुत ज़्यादा खेली है मतलब हमारे कस्टम। तो भाई पॉइंट ब्लैंक ने दे दिया एक नॉक, लेट्स सी उनको देख लेते हैं अभी, एक और नॉक दे दिया भाई पॉइंट ब्लैंक ने, मिस्टर हनी को भी नॉक दे दिया भाई, क्या ओपी खेल रहा है बंदा, रेंडर का इशू है बस थोड़ा। और भाई पूरी की पूरी टीम भाई पे यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक ओपी इन द चैट गाइज़।
पॉइंट ब्लैंक के हैं, 3 किल्स यहाँ पे गाइस। बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। बीटीएन टीम आज जाके मतलब निकली है, बहुत दिन बाद थोड़ा सा मतलब निखर के आई है कि हाँ बीटीएन में भी है दम, बीटीएन कुछ कर सकती है, ऐसा फील हो रहा है गाइस अब। बिकॉज गाइस बहुत दिन से लाइनअप हमारी पूरी टूटी हुई थी, बिकॉज मैं भी नहीं खेलता था, मैं स्ट्रीम करता रह जाता हूँ पूरे टाइम, या फिर मैं टूर्नामेंट कंडक्ट कराता हूँ तो उसी समय बिजी हो जाता हूँ गाइस। आज लग रहा है मतलब हाँ ठीक है, मेरे बिना चल रहा है काम यहाँ पे। वैसे भी मतलब अच्छा खेलता है पॉइंट ब्लैंक, तो काफ़ी अच्छा खेलता है, बट ये बाकी के दो बंदे जो नए लाइनअप में हैं हमारे, नए बंदे हैं जो दो, देखते हैं ये कैसा कर पाते हैं अभी। क्या ये टीम #1 ला पाती है आज की, नहीं देखते गाइस। अगर ये टीम #1 ले आती है तो गाइस स्कोर बोर्ड इतना ज़्यादा पलट जाएगा ना आज, जिसका कोई मतलब उम्मीद नहीं था। टीम 007 को स्पेक्टेट कर लेते हैं, क्रैक हंटर है यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइस। इनमें से ही कोई बंदा टैग दे रहा है किसी को, बैड बॉय यहाँ पे खड़े हैं, एलवन यहाँ पे है। ओके एलवन, एलवन टैग दे रहे हैं AGAC को, भाई कलर टीम को अपने टैग दे दिया है, बहुत ही गंदा मारेगी ये। लेकिन 007 पे भी पूरा भरोसा है भाई, बहुत ही अच्छी टीम है। 6x और मिनी लेके बैठे हुए यहाँ पे एलवन। BRK माही को टैग देने का ट्राई यहाँ पे, AGAC क्रिप्टॉन अभी तक बचे हुए हैं भाई। इनकी टीम पे स्नाइपर गलत ही मारता है भाई वो बंदा, देख सकते हो वो भी मिनी लेके बैठा हुआ है। कि कैसा रुको, उन्होंने नॉक मतलब काफ़ी टैग दे रखा है, प्लेयर मंगा रखी है यहाँ इनकी टीम ने। इनके पास एक ना एक तो ऑम होनी ही चाहिए यहाँ पे। क्या सारू के पास, हाँ जी गाइस ओम है यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छा खासा। क्रिप्टोन ऐसे मूव कर चुके हैं, मेरे को पता है भाई ये बंदा फ्लैंक करके मारेगा इनको, बिकॉज ये टीम रुकती नहीं है। ये टीम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिव अप कर देगी, एक गारंटी की बंद टीम पूरी की पूरी इन पर फ्लैंक मारेगी और फिर इनको बजाएगी। तो भाई सीन में आ चुकी है टीम बीटीएन भी, एरर यहाँ पे गिर के नॉक हो चुके हैं, पूरी की पूरी टीम फट गई है उनकी लग रहा है। तो देखिए भाई सीन क्या हुआ एक्चुअली। ओके जोन के बाहर है वो अभी तक, बहुत ज़्यादा जोन के बाहर है एरर की टीम, और उनको पता है कि ब्रिज कैंप हुआ पड़ा है, इसलिए वो पूरा का पूरा घूम के चले गए हैं यहाँ से, पानी के थ्रू जाने का ट्राई कर रहे हैं। आपको पता ना हो तो गाइस एरर की जो ये IGL है टीम CS7 होगी, ये खुद भी टूर्नामेंट कराते हैं, बट आज ये हमारा टूर्नामेंट ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज गाइज यहाँ पे टीम्स इतनी तगड़ी हैं, इतना अच्छा लाइनअप मिलता है लोगों को खेलने के लिए, इतना अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वेटरन नेशन ने कि मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ वो आके खेलें यहाँ पे। लेजेंड वर्मा को नॉक कर रखा है यहाँ पे, G2 सनी कोहली, भाई कितनी टीम्स हैं यहाँ पे। TOD स्पाइडी भी नॉक ले चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइज। एक बार एक ओवरव्यू ले लेता हूँ मैं भाई, कितनी टीम्स हैं यहाँ पे, मतलब दो ही टीम है, लेकिन टीम नंबर 22 की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। ये #1 आई थी कल, और भाई क्या क्लच किया है भाई, कल भी ये टीम इतना गंदा खेली थी, आज भी इतना तगड़ा खेली है भाई। इसी के साथ पूरी की पूरी टीम वाइप कर दी है उन्होंने यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई, मज़ा आ गया है, कुछ भी कहो मज़ा आ गया भाई। ओके टीम BTN की भी फाइट हो चुकी है गाइस, क्या वाइप हो चुकी है क्या BTN, शायद वाइप हो चुकी है BTN पूरी की पूरी। जी हाँ BTN की लाइनअप पूरी की पूरी वाइप हो चुकी है। AGAC ने भाई अपना बदला ले ही लिया, नहीं AGAC ने नहीं मारा, किसी ने लग रहा है यहाँ पे ऐसा। टीम नंबर 25 की अगेन फाइट हो रही है यहाँ पे, टीम नंबर 3 से फाइट हो रही है यहाँ पे, एनालिटर्स वर्सेस Lane 5। क्रेटर यहाँ बचे हुए हैं इनके पास, एक्सी इताची ने फिनिश दिया यहाँ पे, क्रेटर अकेले बचे हुए, लेट्स सी कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते। और बूम बम गाइस, क्रेटर में फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे। इसी के साथ टीम किल्स हो चुकी है 8, और Lane 5 गाइस फुल डोमिनेशन मोड में खेल रही है आज, मज़ा आ रहा है भाई ये देख के। तो 63 प्लेयर्स अलाइव हैं अभी, और गाइस 16 टीम्स अलाइव हैं यहाँ पे, समझ सकते हो क्या कंपटीशन चल रहा है भाई यहाँ पे। वैसे मेरा मर मैप बड़ा है, तो यहाँ एक्सपेक्टेड भी है कि यहाँ बंदे बचे रहेंगे लास्ट जोन तक, बट भाई जो यहाँ पे फाइट्स होती हैं वो अलग लेवल होती हैं, बिकॉज मेरा मर मैप में आप कैंप नहीं कर सकते भाई, रिजेस का गेम होता है यहाँ पूरा का पूरा। इन गेम साउंड बहुत ज़्यादा मैंने लाउड कर रखी है वैसे अपनी, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ।
आसपास टीम नंबर 21 है यहाँ पे, टीम लेगोइस जिनका नाम अब हो चुका है चेंज होके ओल्ड मॉन्क, इन लोगों ने अपना कल नाम चेंज करवा लिया था मुझसे, ओल्ड मॉन्क नाम रख लिया इन्होंने अब। भाई देखो फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है टूर्नामेंट्स में, अभी भी आज भी दो बंदे बैठे हुए हैं स्पेक्टेट पे, एक मैं हूँ और एक दूसरा भाई डर्न उबड़ा करके है, वो बंदा भी भाई VTN बुचर है एक्चुअल में, उसका आईडी वो है, बट उनकी उस आईडी में थोड़ा चाप हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मैंने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट उसका ऑलरेडी डाल दिया है कि वहाँ वो किस लिए बैठे हुए हैं। भाई फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो आपको चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ें मिलेंगी, हर एक चीज़ क्लियर करके दूंगा भाई, क्योंकि टूर्नामेंट एकदम लेजिट होते हैं हमारे, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपसे छुपाएं या फिर ऐसा कुछ। टीम नंबर 23 टीम इलाइट आ चुकी है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा था बट ये अपने टाइम पे ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे। लाइट एरिया लगातार टैग दे रहे हैं टीम TC को, द क्लचर्स है वो टीम, बट भाई इन्हें याद रखना चाहिए टीम इलाइट, अगर आप हो इलाइट हो आप तो टीम क्लचर्स है वो। अभी फिलहाल तो कहीं फाइट हो नहीं रही है गाइस, कोई भी टीम क्लोज इन नहीं है, बस ये दोनों टीम्स हैं आपस में क्लोज। भाई एरियल को नॉक पड़ चुका है यहाँ पे, एरियल को नॉक कहाँ से पड़ा मुझे भी नहीं समझ आया गाइस। ओके TC के एक बंदा भाई पीछे से घूम के आ गया है, गलत सीन गलत सीन, ये होता है भाई पावर ऑफ फ्लैंक, क्या ही तगड़ा फ्लैंक किया भाई इन्होंने, मज़ा आ गया। वैसे कल गाइस रोहित पे क्लेम हुआ था कि वो ESP हैक यूज़ करते हैं ऑल, वैसा कुछ नहीं है गाइस, गेम थोड़ा मतलब इनका है, बहुत ज़्यादा रेज वाला गेम है और घुस घुस के मारते हैं, कल अपने स्ट्रीम में देखा ही, कल रिकॉर्ड जो मैंने आपको पूरा पूरा दिखाया था वीडियो, उसमें आपको समझ आ ही गया होगा ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कुछ टीम्स अगर क्लेम कर रही हैं, वैसे कुछ टीम्स ने नहीं, एक ही बंदे ने क्लेम किया था भाई, ये बाबूडू तो बहुत गंदा फंसे हैं भाई, पीछे से इनको पढ़ने वाला जाता है मुझे लग रहा है, तो देख सकते हो भाई रोहित OP हल्क OP आ रहे हैं, इन पर रश करेंगे यहाँ पे। एलाइट अनकोर को भी नॉक पड़ चुका है यहाँ पे, भाई फिनिश डाल दिया इनको यहाँ पे, रोहित OP ने एक और नॉक निकाला यहाँ पे, लाइट फैलकन अकेले बचे हुए यहाँ पे अब। लेट्स सी कैन ही मेक अ स्टैंड, क्या वो कुछ यहाँ पे चेंज कर पाएंगे सिचुएशन को, बहुत ही भारी सिचुएशन हो चुकी है। वैसे टीम में लाइट एकदम मतलब फंसी हुई है यहाँ पे, 1v3 वाला सीन हो चुका है, मॉली पे मॉली पड़ रहे हैं, नेट पे नेट पड़ रहे हैं, और भाई टॉमी वर्सेस AK हुआ, लेकिन टॉमी जीत चुकी है TC जतिन OP। इसी तरह भाई इनके हो चुके हैं 8 kills, क्या ही बोले भाई, अभी फुल डोमिनेशन में खेल रही है ये टीम। 15 teams बची हुई है, 58 मेंबर्स अलाइव है अभी, अभी काफ़ी दूर दूर है टीम्स, लेकिन AGAC के आसपास है BTS की टीम, तो लगता है AGAC यहाँ पे मुसीबत में है, क्योंकि तो टीम BTS भी मजाक वाली टीम नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा खेलती है। अभी इनके 0 kills है, बट आई बेट गाइज की AGAC की टीम गंदा नहीं खेलती और बहुत ही ज़्यादा मारने वाली है कुछ समय में, आपको समझ आ ही जाएगा गाइस। क्रीड OP यहाँ पे अकेले फंसे हुए हैं भाई, उनकी गाड़ी फंस गई है, अगर उनको भागना यहाँ पे बेटर रहेगा उनके लिए, और स्पॉटेड हो चुके हैं भाई गॉड्स, क्रीड OP अकेले यहाँ पे, M4 हाथ में निकाल ली है, लेट्स सी क्या कर पाते हैं, स्प्रे दे पाएंगे, नॉक निकाल पाएंगे या फिर भागेंगे यहाँ से, उन्होंने भागना बेटर समझा, यहाँ पे नेड इनके इतना बगल में आ गया था, ठीक है भाई अगर आप सोले बचे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भागना आपका बेटर रहेगा। BRK माही फुल फ्लैंक देते हुए इनको, ऊपर से ही मारेंगे लग रहा है, हाँ और इस पर स्पॉट कर ही लिया है लग रहा है BRK माही ने यहाँ पे, और गॉड्स क्रीड OP की शामत यहाँ पे आ चुकी है, और भाई नॉक गलत ही सीन। भाई गेम सेंस बहुत तगड़ा है AGAC का, एक बंदा वहाँ पे टैग दे रहा है, दूसरी दो बंदे या तीन बंदे फ्लैंक मार दिए हैं, यहाँ पे तीन बंदे टैग दे रहे हैं, एक बंदा फ्लैंक मार दिया, जो सिचुएशन को टैकल करती है ना ये टीम भाई, बहुत ही गजब करती है, क्या ये बोलूँ मैं, अच्छा लगता है देख के, ऐसी भी टीम्स हैं यहाँ पे, ये Tier 1 Tier 2 कस्टम्स खेल चुकी है सारी टीम्स, स्मोक वो करके लूट रहे हैं, मतलब इनको पता है भाई कि आसपास कोई टीम नहीं है, समझ आ जाता है बंदों को, लेकिन फिर भी स्मोक करके लूटेंगे, कोई चांस ही नहीं लेना चाहती है AGAC यहाँ पे। अभी 3rd rank पे है AGAC हमारे कल के लीडर बोर्ड में जो था सेटिंग, उसमें 3rd rank पे आई है, वही मेंटेन करना चाहती है या फिर और ऊपर जाना चाहती है AGAC, नीचे तो गिरना बिल्कुल नहीं चाहेगी यहाँ पे AGAC की टीम, बहुत अच्छी टीम है गाइस, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहेगी वो यहाँ पे, और वो कर भी लेगी गाइस जहाँ तक है।
टीम सेवन को देख लेते हैं, टीम एचएच को गाइस। तो ये लोग भी जा रहे हैं जोन के अंदर, बगल से टीम 16 भी जोन में जा रही है। लेट्स सी क्या ये लोग मीट करते हैं और यहाँ फाइट लेंगे कि नहीं। भाई आसपास तीनों जगह गाड़ियाँ, एचएच की टीम को जो गंदा यहाँ पे बजा रखा है भाई। हार्दिक ने हार्डी को नॉक दिया, हार्डी नॉक ने यहाँ पे, और एकल निकेत वहां से मारेंगे मुझे लग रहा है एक और नॉक। MS12 बहुत गंदा फंसे हैं यहाँ पे, एचएच की टीम के साथ सीन बनने वाला है भाई अभी। गलती कहीं नहीं बात सकती अभी कोई भी टीम से यहाँ से। MS12 वो में अकेले बचे हुए यहाँ पे, लेट्स सी कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते। और पूरी की पूरी टीम वाइप, टीम एचएच यहाँ पे वाइप हो गई है 4 किल्स के साथ, और उनकी पोजीशन है यहाँ पे आई थिंक 15। ये देख सकते हो गाइस सिर्फ 14 टीम्स बची हुई हैं। ओके गाइस लेट्स सी अब अगली टीम कौन सी है जो फाइट लेने वाली है यहाँ पे। तो टीम क्लचर्स के पास टीम 25 लेन 5 पहुंच चुकी है भाई। ये भी आज गंदा ही मार रहे हैं, 8 किल्स कर चुके हैं लोग। स्प्रे दिया टीसी जतिन ओपी को, क्लचर्स के जतिन ओपी को, रोहित ओपी को क्या नॉक कर पाते हैं। G2 सनी कोहली यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो दोनों ही टीम के गेम सेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जतिन ओपी को काफ़ी टैग दे रहे हैं भाई, G2 सनी कोहली यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार रहे हैं यहाँ पे। नीड किया फिर टैग दे रहे हैं लगातार, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं भाई ये लोग भी। कम से कम एक नॉक निकालना चाहेंगे यहाँ पे, उसी के बाद आगे पुश करेंगे यहाँ पे। ऑन ग्राउंड एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी टीम्स है गाइस, बहुत सारी टीम्स हैं यहाँ पे आसपास। तो जतिन ओपी को गंदा ही नॉक दिया यहाँ पे। तो भाई जो लोग बोले थे जतिन ओपी SP हैक कर रहा है भाई, उनके लिए ये जवाब है। G2 सनी कोहली ने बहुत ही सस्ता नॉक दिया उनको। अब बचे यहाँ पे रोहित ओपी और एडी ओपी, लेट्स सी क्या होता है। बैंडेज वैंडेज ला के हील करेंगे, जतिन को रेव दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आईडी ओपी यहाँ पे, हमें ये देखना होगा। और भाई आईडी ओपी ने भी सस्ता ही नॉक ले लिया G2 सनी कोहली से। यहाँ पे बची है अब सिचुएशन खाली 4v1, लेन 5 एब्सोल्यूट डोमिनेशन में है गाइस यहाँ पे, देख सकते हो आप। कल ये टीम अंडरडॉग्स की तरह मतलब स्टार्टिंग में ही मर गई थी यहाँ पे भाई। क्या ये किल भी G2 सनी कोहली ही निकालेंगे, लेट्स सी गाइस। रोहित ओपी अकेले बचे हुए हैं और भाई G2 सनी कोहली ने यहाँ पे एक साथ निकाल दिए 3-3 किल्स, 11 किल्स हो चुके हैं यहाँ पे इनके। गलत ही खेल रही है भाई लेन 5 यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा मार रही है, मज़ा आ गया भाई ये देख के। तो भाई इसे क्लच बोल सकते हो आप, सीधे सीधे क्लच बोल सकते हो G2 सनी कोहली ओपी का। कोहली ओपी लगा दिया भाई मैंने अपने आप ही, आगे मुँह से निकल जाता है भाई क्या ही बोले। ऐसा परफॉर्मेंस देखने से मतलब एकदम मतलब मज़ा आ जाता है भाई क्या ही बोलो। अभी BTS की टीम अभी भी जोन के बाहर है, वो बदला लेगी ही लेगी मुझे लग रहा है अपनी टीम्स का AGAC से, या तो AGAC इनको गेट कीप कर लेगी या फिर BTS इनको मार देगी, बैक स्टैप कर देगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ, देखते हैं सिचुएशन कैसी बनती है और कौन नॉक लेता है और कौन फिनिश करता है, देखना होगा। जोन इतनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है गाइस आप देख सकते हो, फिर भी 49 मेंबर्स अलाइव है, 13 टीम्स अलाइव है। एलवेन नॉक ले चुके हैं यहाँ पे और एलवेन फिनिश हो जाएंगे जहाँ तक है। भाई क्या स्प्रे था आपका क्रैक हंटर, गलत स्प्रे किया आपने बहुत। VRK भाई को एक गोली नहीं लगी यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी भी AGAC की टीम वही कर रही है, फुल फ्लैंक दे रही है यहाँ पे। बैड बॉय भी नॉक हो चुके हैं, आप अकेले बचे हैं यहाँ पे क्रैक हंटर। सिचुएशन बहुत टाइट है यहाँ पे AGAC की टीम के लिए, एक भी नॉक नहीं निकल पाया, ऐसा टैग दिया भाई AGAC जोरों ने यहाँ पे, गाड़ी फोड़ के इनको फिनिश कर दिया है। 7 किल्स हो चुके हैं इनकी। DHTAG की टीम भी आ चुकी है जोन में रोटेट करके यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, आपस में लड़ भिड़ रहे लोग। तो टीम 16 वर्सेस यहाँ पे हो चुका है टीम 1। हार्दिक काफी लेट है यहाँ पे, लेकिन भाभी यहाँ पे नॉक ले चुके हैं, तो भाभी रेप लेंगे जब तक, तब तक देखते हैं यश फ्लैंक करके कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। यश को स्पेक्टेट कर लेते हैं एक बार हम, और एकल निकेत है उनके विजन में यहाँ पे, और वो भी स्पॉटेड ही है। भाभी हील कर लेंगे यहाँ पे बाप जी, और क्या करते हैं देखते हैं गाइस। कैसे नोवा भाई बहुत ही ओपी बंदा है ये, बहुत ही ओपी प्लेयर है, लेट्स सी आज ही क्या कर पाते हैं।
फोर्स अभी नॉक हो चुके हैं भाई, भावी नॉक हो चुके हैं, सोनिक्स नॉक हो चुके हैं, सोनिक्स नॉक लेंगे यहाँ पे कि नहीं देखते हैं। अकेले बचे यहाँ पे कैसनोवा और उनके अपोजिट में बचा है भाई ओरेकल निकेत। सिचुएशन हो चुकी है गाइस 2v1 की, आई थिंक हाँ 2v1 की हो चुकी है सिचुएशन यहाँ पे। ओरेकल निकेत को हम स्पेक्टेट कर लेते हैं भाई, उन्हीं की विजन से हमें समझ आएगा कि वो क्या कर पाएंगे यहाँ पे। अभी कैसनोवा से नॉक लेंगे, कैसनोवा उनको फिनिश कर देते हैं या फिर क्या सीन बनता है अभी देखते हैं गाइस। कैसनोवा भी लिटनी है, फुली बूस्टेड है यहाँ पे ओरेकल निकेत भाई, आगे मूव कर गए यहाँ पे। अच्छा यूएमपी से नॉक दे दिया है, अब यश अकेले बचे हुए यहाँ पे। और क्या यश एक गोली मार के यहाँ पे फिनिश कर पाएंगे इनको कि नहीं, ये देखना होगा यहाँ पे गाइस। भाई क्या बहुत सस्ता, बहुत ही गंदा यहाँ पे स्प्रे दिया है यश ने यार, जो भी कहो बहुत ही गंदा स्प्रे था भाई, बहुत ही गंदा स्प्रे था। बंदा यहाँ पे लिटरली 10 HP बचा था ओरेकल निकेत, क्या कर दिया उन्होंने मेरे को समझ नहीं आया गाइस, बहुत ही गलत सीन। एक बहुत ही मतलब बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे, 11 टीम्स बची हुई, इतनी छोटी सी जोन है, बूम बाम होने वाला है, बहुत लैग होने वाला है बंदों का डिवाइसेस। जो तो भाई आईफोन यूजर्स हैं जैसे कि टीम फिनिक्स है पूरी की पूरी भाई वो तो बच जाएंगे, बाकी की टीम्स का क्या होगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो टीम फिनिक्स यार बहुत ही अंडरडॉग की तरह खेली है आज, एक ही किल किया हुआ है टीम फिनिक्स ने यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, वो लिटरली सेफ खेल रहे हैं, कंपाउंड टू कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई 11 टीम नंबर 11 की फाइट हो रही है, एरर जिगी ने यहाँ पे नॉक दिया है, एरर जिगी नॉक हो चुके हैं। ओके ओके बचे हैं खाली दो मेंबर्स इनके भाई। एजीएसी फिल मार फिर से मार रही है भाई, बूम बम कर रही है एजीएसी लिटरली। जोरो का यहाँ पे काफी अटैक पड़ा, स्मोक करके यहाँ पे बीआर के माइक को रेव देने का ट्राई करेंगे। सैम फिनिश हो चुके हैं क्या, नहीं नहीं सैम 10 HP बचे थे, हील कर चुके हैं, अभी भी 4 बंदे हैं इनके एजीएसी के, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है बाकी टीम्स के लिए। क्रिप्टॉन यहाँ पे ओम लेके बैठे हुए हैं, ओम से टैग देने का ट्राई कर रहे हैं बट अभी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। टीम BTS यहाँ पे रेव ले रहे हैं अपना, टीम 16 की क्या हाल है देख लेते हैं भाई, वो भी मतलब जोन के अंदर है, कंपाउंड होल करके बैठी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो वही कंपाउंड जहाँ पे इन्होंने अभी फिनिश डाला था। तो इनके ऊपर आ चुकी है गाइस टीम 6 आ चुके हैं यहाँ पे, बंगाल वॉरियर्स आ चुके हैं यहाँ पे। टीम 15 की सीन खराब लग रहे हैं भाई, अभी टीम 15 का एक बंदा लॉक हो चुका है यहाँ पे, एरर भाई चारों तरफ फाइट चल रही है, स्पेक्टेट करे तो करे किसे यहाँ पे, वो वाला सीन हो गया है। लूसीफर नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, किल शॉट नॉक हो चुके हैं, किल शॉट के भाई बहुत ही कम HP बची हुई है, और नेट से नॉक, और सीधे चले गए यार नेट के अंदर ही चले गए एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे, गलती मरे यहाँ पे। आर ठाकुर अकेले बचे हुए हैं फिनिक्स के, ऐसे वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते यहाँ पे। और ठाकुर यहाँ पे आ रहे हैं अपने बंदे को रेफ देने, क्या वो थॉर को रेफ दे पाएंगे यहाँ पे देखना होगा गाइस यहाँ पे। भाई कितनी छोटी सी जोन है, 21 बंदे बचे हुए हैं, 7 मेंबर्स अलाइव है, 7 टीम्स अलाइव है भाई, एरर की पूरी टीम लग रहा है नॉक फिनिश हो चुकी है जोन के कारण, इतनी छोटी सी जोन में गाइस अभी भी टीम 21 स्ट्रगल कर रही है जोन में आने का। थॉर यहाँ पे रेफ ले ही लेंगे जहाँ पे, जहाँ तक दिख रहा है मुझे। अभी हमें किस टीम को एक और नेड आ चुका है, इन पे मौली भी आ चुका है गाइस, आर ठाकुर की भी हालत यहाँ पे सही नहीं लग रही है। भाई किसी तरह तो ये बच चुके हैं यहाँ पे भाई, टीम लगो इस जोन से ही अब नॉक होती जा रही है यहाँ पे, बाकी के बंदे तो इनके जोन में पहुंच गए हैं पर ये लोग जोन से नॉक हो चुके हैं। इनके पास लग रहा है लूट भी नहीं है ढंग की यहाँ पे गाइस, वॉर मशीन नॉक हो चुके हैं इधर, आर ठाकुर ने नॉक निकाला, एक थॉर ने वॉर मशीन को फिनिश कर दिया इधर। 5 टीम बची हुई है, 13 मेंबर्स बचे हुए हैं गाइस, आप एक बार देख लो। टीम AGAC जहाँ तक है गाइस पूरी की पूरी वाइप हो चुकी है, अच्छा खेलती थी काफी AGAC लेकिन आज वाइप हो गई है फिर से कल की तरह, वो भी आज आज फिर से कोई सिचुएशन यहाँ पे बना नहीं पाए अपनी और वाइप हो चुके हैं। 5 टीम बची हुई है, फिनिक्स बची हुई है, DOD बची हुई है, टीम 16 बची हुई है, मतलब सिचुएशन खाली अभी यहाँ पे टीम 25 लेन 5 के हाथ में है पूरी की पूरी। भाई एक और नॉक,
क्या खेलता है भाई ये बंदा, क्या खेलता है, कितनी किल्स है गाइस देख सकते हो, टीम की 19 किल्स है भाई, क्या कर रही है आज ये टीम। मुझे तो लग रहा है भाई आज कोई ना कोई इनको हैकर क्लेम करेगा ही लग रहा है मुझे भाई। इन्हीं को स्पेक्टेट कर लेते हैं, नहीं तो बंदे बोलेंगे कि भाई हैक वैक कर रहे थे वैसा वैसा। गलती मार रही है भाई जी टू सनी कोहली, तो गलती खेल रहा है पे। टीम आर आर नेमोर यहाँ पे नॉक हो चुके, नॉक कर चुके हैं। ओके ओके, फिनिक्स सुपरमैन नॉक कर चुके हैं। डीओडी अकेले बचे हुए हैं यहाँ पे, डीओडी थेनोस बचे हुए हैं। लेट्स सी उनका क्या 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 स्टैंड होता है यहाँ पे, आप देख लेते हैं। थेनोस भाई कंटेनर के अंदर बैठे हुए हैं, फुल सेफ खेलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सिचुएशन इतनी ज़्यादा टाइट है भाई, नेड करेंगे यहाँ पे जी टू सनी कोहली पे भाई, इन पे खुद नेड हुआ और ये फिनिश, थेनोस फिनिश यहाँ पे। जी टू सनी कोहली का ओपी नेड था यहाँ पे। तीन टीम्स बची हुई हैं गाइस देख सकते हो, सिचुएशन कुछ ऐसी है। थॉर को स्पेक्टेट करते हैं यहाँ पे, थॉर देखते हैं नॉक निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। थॉर को भाई स्मोक में यहाँ पे नॉक कर दिया इन्होंने। आर ठाकुर नॉक हो चुके हैं, आर एन नेमोर ने नॉक कर दिया। फिनिक्स आर ठाकुर भी नॉक हो चुके हैं, लेकिन अकेले बचे हैं यहाँ पे लूसीफर और टीम 16 पूरी की पूरी अभी अच्छे से सेफ खेल रही है, क्योंकि उनको पोजीशन निकालनी है आराम से। वो फाइट होने दे रही है, थर्ड पार्टी भी नहीं कर रही है अभी, वो सोच भी नहीं रहे कि उन्हें क्या करना है अभी। इधर इजी पीजी खेल रहे हैं एकदम वो लोग अभी। आर ठाकुर रेव ले चुके हैं, हील करेंगे यहाँ पे आराम से स्मोक होके वहाँ पे। मेरे को लग रहा है वो थॉर को भी रेव देने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। आर आर लॉयन लेफ्ट से फ्लैंक कर चुके हैं इधर देख सकते हो आप गाइस। भाई लिटरली 10 HP बचा है ये बंदा भी। एक नेड आया और मुझे लग रहा है जहां तक फिनिश आया ठाकुर की, खत्म कहानी। बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंसे भाई पूरी की पूरी टीम भाई यहाँ पे। अब खेलेगी टीम 16 गाइस अपने वर्सेस, देखना अब देखना होगा मैच क्या बनता है भाई। टीम 15 टीम 25 अभी तक सरवाइव कर रही है भाई, गलत ही खेल रही है आज तो ये। देखते हैं आर आर लॉयन को यहाँ पे नॉक मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या वो नॉक निकाल पाएंगे ये देखना होगा गाइस। पूरा फ्लैंक देखे एक्चुअली ताची घुस चुके हैं इनके ऊपर, फोर सभी नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। और भाई इसी के साथ मैच होता है एंड। ओके गाइस, नाइस नाइस नाइस, तो ले लेते हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।